नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्ट उपाध्याय। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच के बारे में तो हर कोई अवगत होगा, क्योंकि वो हमेशा सादा जीवन, उच्च विचारों की धारणा पर ही विश्वास करते थे और साथ ही बापू हिंसा से काफी दूर रहते थे। देश की आजादी और शांति की स्थापना उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने शांति से लड़ाई लड़के अंग्रेजों के घुटने टिका दिए थे। इन सब बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बापू से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बारे में जानकर शायद आपका भी खून खौल जाएगा। आपने बापू की फोटो भारतीय नोटों पर तो देखी होगी, अगर उनकी फोटो शराब की बोतलों पर देखने को मिल जाए तो निश्चित ही आप गुस्से से लाल जरूर हो जाएंगे। दरअसल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जीवन भर शराब का विरोध किया था, मगर उनकी फोटो एक शराब कंपनी ने अपनी बोतल पर छापी है। जिस कंपनी ने बापू की फोटो को शराब की बोतल पर छापा है वो इसराइल की एक कंपनी है और कंपनी की इस करतूत पर भारत की ओर से कड़ी आपत्ति जताई गई है। यहां तक कि केरल के महात्मा गांधी मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष एबीजे जोस ने इस पर आपत्ति जताते हुए शराब की बोतलों और कैन से तुरंत महात्मा गांधी की फोटो हटवाने की मांग की है। जोस ने इस संबंध में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। दरअसल इसराइल की शराब कंपनी माका बेबरी ने अपनी शराब की बोतलों पर महात्मा गांधी का चित्र छापा है। बताया जाता है कि इन फोटो वाली बोतलों को अमित शिमोनी नाम के शख्स ने डिजाइन किया है। यहाँ तक कि अमित शिमोनी की वेबसाइट happystory.com पर भी महात्मा गांधी को टी शर्ट, ओवर कोट और गॉगल्स पहने दिखाया गया है। महात्मा गांधी मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष एबीजे जोस ने कहा है कि शराब की बोतल और कैन पर बापू की फोटो छापकर महात्मा गांधी का मजाक उड़ाया गया है। जोस ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को पत्र लिखकर मांग की है कि शराब की बोतलों और वेबसाइट से महात्मा गांधी की फोटो को तुरंत हटाया जाए और शराब कंपनी और उसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यही नहीं बल्कि जो भी बापू की फोटो वाली बोतल बाजार में भेजी जा चुकी हैं, उन्हें तुरंत वापस मंगाने का निर्देश दिया जाए। उसने कहा कि महात्मा गांधी हमेशा लोगों को शराब से दूर रहने की सलाह देते थे, लेकिन कंपनी ने बोतलों पर उनकी फोटो का इस्तेमाल कर शर्मनाक हरकत की है। और सवाल यह है कि जिस शख्सियत को राष्ट्रपिता के रूप में माना जाता हो और दुनिया उन्हें अहिंसा का प्रेरणा स्रोत मानती हो, तो फिर इजराइल की शराब कंपनी माका बेबरी ने अपनी शराब की बोतलों पर जिस तरह से महात्मा गांधी का चित्र छापा है वो वाकई एक शर्मनाक हरकत से कम नहीं है। इजराइल की शराब कंपनी की ओछी हरकत पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।